ये मंदिर की एंट्रेंस है, ये रास्ते हैं निकलने के ऐसे राउंड 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 करके, और यहाँ पे पंडित भी बैठे होते हैं, जिसको नहीं आता वो पंडितों से करवा सकते हैं सेम चीज। जिंदगी में पहली बार सुबह तो मैं उठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैं सुबह उठ के नहाया हूँ 4 बजे। मैं फिर वो खुद को यकीन नहीं हो रहा मैं नहाया कैसे हूँ आज, और कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो सब तुम्हें थंबनेल में और टाइटल में दिख गया होगा। अभी फ़िलहाल मैं तेज़ बात नहीं कर सकता, बाहर बातें करेंगे ठीक है। मैं मुँह बिल्कुल कैमरे के पास लगे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आवाज़ रिकॉर्ड होए, और वहाँ इसलिए देख रहा हूँ बार बार ताकि कोई घर का ना आ जाए। गाड़ी रेडी, कौन कौन जा रहा है वो तुम अभी थोड़ी देर में देख ही लोगे। तुम्हारा पूरा अंदाज़ा तो यही होगा कि दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, गलत अंदाज़ा है। क्या हुआ, 1.5 घंटे लगे भाई पहुंचने में। पूरे 3 किलोमीटर की परिक्रमा है। ये मंदिर की एंट्रेंस है, ऐसा कुछ देख लो, और यहाँ पे खाने पीने का सामान लगा हुआ है, ब्रेड पकोड़े समोसे चाय। हम प्रक्रिया पूरी करके 3.5 किलोमीटर की अब एंट्री ले रहे हैं। चप्पल कहाँ पे उतारने का, यहीं पे सामने चप्पल उतारने का, और तेल चढ़ाने पे चप्पल उतारेंगे और फिर तेल चढ़ाने के लिए लेंगे। अच्छा, और कुछ होता है दाल होती है, कलौंजी होती है, तिल होता है, काला कपड़ा होता है। अब बोलने भी देंगे। करो करो आप करो, लो चलो भाई। ये रास्ते हैं निकलने के ऐसे राउंड 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 करके, कितनी आगे तक है देख लो। ये हम अभी वापस जा रहे हैं सारी प्रक्रिया पूरी करके, मत्था टेक के पूरी जो प्रोसेस होता है वो सारा करके। लोग कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हमने आगे करा, और यहाँ पे पंडित भी बैठे होते हैं, जिसको नहीं आता वो पंडितों से करवा सकते हैं सेम चीज़। यहाँ पे ऐसे मंदिर से एग्जिट लोगे तो बाहर शॉप्स भी बनी हुई हैं, तुम चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे भगवान जी की मूर्तियाँ हो गई, लॉकेट्स हो गए, घर के बाहर लगाने की चीज़ें, और ये सब चीज़। बड़ी हिम्मत करके व्लॉग ऑन कर लिया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आज आप शनिदेव मंदिर ले गए थे, पूछूंगा आपसे ही मैं, क्यों आपको पता है ना, मैं भी जो क्या कहते हैं उसे, मैं भी जो थोड़ा पढ़ के आया था वो भी गलत ही है थोड़ा सा। आप कह रहे हो ना आसपास है वो, सही जो मेरा ज्ञान है शनि मंदिर के बारे में। यार एग्जैक्टली मेरे को मैं थोड़ी बताऊंगा, मैंने लिखा है गूगल सही कह रहा हूँ। तो आप बताओ ना एक बार अपनी कहानी, क्योंकि शनि आपकी कहानी, मतलब आपकी हिसाब से कहानी आपकी जुबानी शनि मंदिर के इतिहास क्या है, क्यों है, कैसे इसका उद्घाटन कह रहा हूँ, क्या कहेंगे, मान्यता कब से शुरू हुई, कैसे हुई स्थापना। तभी तो आपसे पूछा, देखो मैंने बताओ इसका यही है यार कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो यशोदा मैया ने उनको शनिदेव को मिलने से मना कर दिया था, तो शनिदेव फिर वहाँ पे जाके स्थापित हो गए थे, और उसके बाद कृष्ण जी मिलने आए थे, तब से इसकी मान्यता है। वो नाम क्या बताया था आपने, कोसी कला। तो जो मैंने पढ़ा था उसमें ये था कि वो कोयल के रूप में कृष्ण जी मिलने आए थे, तब से इसकी मान्यता ये हो गई और यहाँ पे ये नाम पड़ गया। हाँ उस रूप में आए होंगे, भगवान है किसी भी रूप में आ सकते हैं। सही बात है। तो ये थी, और पहले तुमने देख ली होंगी क्लिप्स काफी मंदिर की जो मैंने दिखाई, उसमें सब कुछ पूरा एंट्री कहाँ से होगी, प्रक्रिया क्या बोलिए, प्रक्रिया
परिक्रमा, परिक्रमा कैसे होगी शुरू से एंड तक? दो रास्ते हैं परिक्रमा के, दो रास्ते हैं, हमने एक ही कवर करा आज पूरा। एक साइड से गए तो एक ही कवर करेंगे? नहीं, मेरा मतलब कि परिक्रमा तो एक ही होगी ना वो? परिक्रमा एक ही है लेकिन रास्ते दो है, रास्ते दो है। और हाँ, ये मैं ये तो बताया ही नहीं कि वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करा कि हमेशा मैं ब्लॉग बनाता हूँ दोस्तों के साथ। आज बन रहा है ये मासी है, ये चीजों रिश्ते रिश्ते को ले आप सो रहे हैं तो ये इसका भी एक रीजन है। अगर आप चाहो ना ऐसे रिश्ते को लैप्स होना तो आपको पंजाबियों में पैदा होना पड़ेगा, ये यही हो सकता है ऐसी चीजें। अभी उसका रीजन ये है कि ये मेरी मासी है लेकिन बचपन से मैं राखी बंधवाता हूँ तो वो हो रखा है मासी और बहन, और बुआ से ही मैं राखी बंधवाता हूँ तो ये रिश्ते कॉकटेल है पूरा। अगर ये सब हो, ये सब सिर्फ पंजाबियों में ही हो सकता है, रिश्तों की माँ बहन मासी बुआ सब सॉरी बोल गया था मैं दोस्तों के साथ नहीं। तो भाई गाड़ी से आ चुके हैं टू व्हीलर पे, अब मैं सीधा घर पहुंच के बात करता हूँ और मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी है, एक बार वो सब कर दूं और फिर करते हैं ब्लॉग को एंड, ठीक है? ये लो, साथ में 15 अगस्त आने वाला है तो क्या बोलें, जय हिंद बोल देते हैं, ठीक है? ओके, अब घर पहुंच के बात करते हैं, मैं रोड पे हूँ फिलहाल, ब्लॉगिंग कर नहीं पाऊंगा ढंग से। ओके बाय बाय। तो भाई जो काफी सोर्सेस से पढ़ने के बाद और काफ़ी चीज़ें देखने के बाद मेरे को जो पता चला है शनिधाम के बारे में, मुझे लगता है कि एक समरी छोटी सी मुझे बता देनी चाहिए ताकि आपको भी इसके बारे में पता चले, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो उसके बारे में भी पता चले कि वहाँ की स्थापना कैसे हुई थी, सब कुछ कैसे शुरू हुआ था, ठीक है? कि जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो कई सारे देवी देवता वहाँ पर उनसे मिलने आया करते थे, तो ऐसे ही एक दिन शनि देव भी वहाँ पे कृष्ण भगवान से मिलने गए, लेकिन कृष्ण भगवान जी को ऐसा लगा कि अगर शनि देव की नज़र नंदगांव पे पड़ गई तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने शनि देव जी को वहीं पे रोक दिया। कृष्ण भगवान खुद शनि देव से कोयल के रूप में वहाँ पे मिलने गए। उस टाइम से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शनिधाम की स्थापना हुई। आज के टाइम पे हर शनिवार को भक्त वहाँ पे जाते हैं, शनिदेव पे तेल चढ़ाते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं, ठीक है? ये कहानी थी मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा। अगर आपको मेरी कुछ बात गलत लगी तो नीचे कमेंट में बता देना कि भाई ये कहानी नहीं थी, इस कहानी में कुछ ऐड ऑन हो सकता है या ये चीज़ नहीं थी, ठीक है भाई? व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, पसंद आया तो कर देना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।